जाती है। जैसे देखिए यहाँ पैर मार रहा हूँ, देखिए बिल्कुल सूखा था और सूखे की जगह देखिए पानी हो गया, अरे मेरा पैर। और जो रेता इतना कड़ा होता है कि इसमें अगर डायरेक्ट आदमी बैठ जा, गर्दन बैठ जा, तो काफ़ी सारा इसमें गर्दन बैठने के साथ साथ ये ढांग गिर जाती है और इसमें मौत हो जाती है दब के। ये रेत इसके ऊपर गिर जाता है डायरेक्ट और यहाँ मौत एकदम हो जाती है। तो पूरी वीडियो को देखते रहें, मैं भी खतरे की तरह काम कर रहा हूँ। जो दोनों यहाँ खड़े हैं तुम भी पीछे खड़े रहना, देखते रहना। अगर मैं डूब जाता हूँ तो कुछ हो जाता है तो तुम मेरी बाँह पकड़ लेना, टांग पकड़ लेना एकदम, ठीक है। तो मैं दिखा रहा हूँ खतरे की जगह, ताकि जो है और बालक भी आने वाले भी सावधान हो जाएँ कि किस तरीके से नदी में बच्चे डूबते हैं छोटे बड़े, और तैर भी लेते हैं, तैरने वाले भी जो दिननाथ पार करते हैं वो भी डूब जाते हैं। तो यहाँ कोई नहीं आता, ढांगें इस तरीके से गिरती हैं, देखिए नदी अंदर ही अंदर कुलल लेती है उन्हें। और ढंग देसानी कोई भी तैराकी एकदम जाकर मिट्टी और रेत एकदम दबा लेता है। देखिए कहाँ से मैंने यहाँ नदी बना दी और ये ढांग जो है नीचे को एकदम गिर जाती है। और देखिए यहाँ गड्ढा खोदते हैं, यहाँ भी निकले, खोद ले, यहाँ गड्ढा खोदिए, हाँ से जल्दी खोद, देखिए यहाँ 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 खोद, यहाँ यहाँ पानी निकल गया है, यहाँ देख पानी निकाल रहेगा, ये कहीं भी पानी निकलता ढांग है, खतरा मोल लेने की कोई ज़रूरत ना है। तो इस तरीके से नदी में बच्चे डूब जाते हैं। शाम के समय हम ब्लॉग बनाते जा रही है, देख दे चुकाइया, देख देख देखिए इस तरीके से ढांग गिर जाती है, कोई नया आता है और नदी कटान इस तरीके से कर देती है। देखिए ये कर रही है, पानी पानी आ गया और यहाँ पानी हो गया। तो नदी के किनारे कभी भी इस तरीके से घूमना नहीं चाहिए। अगर घूमोगे नदी से कटान कर दे बिल्कुल किनारे, कहाँ डांग। हेलो दोस्तों, तो देखिए नदी ने हमारी चराई बिल्कुल डुबो दी है, ये रही चराई। और नदी में काफ़ी जो है इस समय रात का दृश्य है, शाम के समय हम आए, पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है, हम चल रहे हैं। और जो हमारे खेत थे नदी के किनारे वो डुबो दिए हैं। तो को आ जा, इतना को सांप पे नुकसान है, आ जा, कहीं तक चले भाई सीधे, तो कितने को चलेगा। इतना देखिए हम जाने वाले हैं, रुक जाए एक मिनट, हम जाने वाले हैं, ये नदी का दृश्य है और हम घर जा रहे हैं। इस समय बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हम, और ये दोनों वाले ए ककड़ा शैतानी मत करो, दिन से पकड़ते हैं, चल। तो शाम के कारण हम देखिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस समय। ए पकड़िए रे मोबाइल जरा, ए सामने को दिखा, इधर को हटा जल्दी, शाम का तरह जंगली सुअर आ जाएंगे, बता रहा हूँ, चल लो। अरे भैया वो कौन है, कहाँ मजाक मत करा, सही कर रहा हूँ, आज जल्दी कितना हो गया, चलेगी तो कहाँ है सड़क दिखाई दे रही, कितने लिख रहा है, कितने हो गए वो है, अरे ना लिख पागा, आ जा उधर ही होकर चल रहे हैं, सबसे सुरक्षित जगह है। तो हम देखिए जहाँ से इधर होकर आए थे उधर होकर वापस चल रहे हैं, आ जल्दी। अरे ये शाम का दृश्य है, सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला ये दोनों बच्चे हैं। साइकिल आज लाए ना है, ये यस जा रहा है, और शाम के खन जो है काफ़ी खतरा रहता है। अरे मजाक मत करा, ये कट सके जगह बिल्कुल कट जाएगी, धम देसानी गिर जाएगा, ये ढांग है, चरी डूब गई है, जल्दी चलो। और शाम के खन है परछाई भी हाथ ना आएगी, शाम के खन मत घूमे, जल्दी चले, ढांग गिरने वाली है, ढांग भी घुस जाना शरीर रह जाएगा। और ढांग यहाँ से गिर गई ना तो पूरा कट जाएगा नीचे, नीचे नीचे नदी कुलल लेती है और ढांग गिरा देती है। हम बिल्कुल नदी के किनारे चल रहे हैं, चराई हमारी डूब चुकी है और बिल्कुल किनारे हैं, शाम का खाना हम देखने आए, अभी खतरे के निशान से ऊपर नहीं है नदी। और जो यानी नदी के किनारे जो खेत बह देते हैं बिल्कुल चराई वगैरह वगैरह ऐसा कुछ, तो उन्हें डूब चुकी है, काटना भी दूभर हो गया है, डूब जाएगी है पशुओं के लिए चारा, एक दिन में तो काट नहीं सकते, बहुत ज़्यादा जो है चराई का नुकसान है, फसल को पूरी तरीके से डूबो चुकी है। ऐसा ब्लॉग है हमारा, और ये मारे गिर गया भैया मैं, तो ले जाए ऐसा ढांग गिर जाए, अभी गिरा होता तो ये बच गया मैं। और जहाँ तू चल जाना ये सीए भी गिर सके ढांग, कैमरा उमरा नहीं गिर जाए, मोबाइल का अंदर पंदर, ऐसी जगह कभी अकेले मत आइए, कभी आ जाओ उस लौंडे के संग किसी के। अच्छा जंगली सुअरों का खतरा बना रहता है यार, मजीरा बोलने शुरू हो गए रात में, चलो भाई चलो, ये रिया देखिए ये रिया, ये अरे यहीं तो जो खतरा है, कल नहा जो रिया बहुत खतरे की जगह नहा रहा है, हाँ ये ढांगे गिर जाए हैं, ढांगे पैर से धोलो, रुक जा, जो भी ढांग है यहाँ गिर सकती है नीचे, देख 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 कैसे जावे, देख लल्ला, देख
लज्जू जार और देख ले कट गई देख लज्जू कर ढंग रेसा नहीं देख हाई से गिर जाएगी गिराऊँ देखिए यहाँ से कभी मत नहीं है नू गिर रही है यहाँ से भी कट जाएगी देख यहाँ से भी काटूँ देख पकड़िए देख यहाँ से काटूँ ढांग देखिए यहाँ से नदी डुबा देती है कोई नए लड़के जो है आते हैं नदी के किनारे नहाने के लिए उन्हें पता नहीं है कि नदी के खाली कभी कभी आने वाले जो नदी से ज़्यादा जो है वाकिफ होते हैं तो नदी के किनारे देखिए इस प्रकार नहाते हैं और नदी जो है अंदर ही अंदर देखिए ज़मीन है अंदर ही अंदर पुलल लेती है ऐसे करके ज़मीन और नुकर कर नहाने जाते हैं तो ढांग के साथ गिर जाते हैं और डूब जाते हैं। देखिए मैं कर रहा हूँ मुझे भी खतरा हो सकता है पूरी ढांग भी गिर सकती है। देखिए ये यहाँ देखिए सूखी जगह है और देखिए यहाँ दिखाता हूँ किस तरीके से आदमी की जान लेती है नदी। नदी में कभी नहाना नहीं चाहिए नदी के किनारे और जो तैराकी है वो नहाना चाहिए क्योंकि तैराकी भी छह जगह डूब जाती है ढांग गिर रही है। देखे देखे यहाँ से देखिए यहाँ ढांग है तो ढांग कैसे गिरती है कोई अचानक लड़के नहाने आते हैं अनाड़ी और बालकों से मोहल्ले से काफ़ी सारे बच्चे आते हैं फिर डूबने खबर आती है कि नदी में डूब गए तैराकी भी कितने हो तब भी डूब जाते हैं। क्यों क्योंकि जैसे यहाँ से ढांग गिरती है देखिए मैं दिखा देता हूँ कैसे ढांग गिरती है ये जैसे देखिए यहाँ पैर मार रहा हूँ देखिए बिल्कुल सूखा था और सूखे की जगह देखिए पानी हो गया अरे मेरा पैर और जो रेता इतना कड़ा होता है कि इसमें अगर डायरेक्ट आदमी बैठ जा गर्दन बैठ जा तो काफ़ी सारा इसमें गर्दन बैठने के साथ साथ ही ढांग गिर जाती है और इसमें मौत हो जाती है दब के ये रेत उसके ऊपर गिर जाता है डायरेक्ट और यहाँ मौत एकदम हो जाती है। तो पूरी वीडियो को देखते रहें मैं भी खतरे की तरह काम कर रहा हूँ जो दोनों यहाँ खड़े हैं तुम भी पीछे खड़े रहना देखते रहना अगर मैं डूब जाता हूँ तो कुछ हो जाता है तो तुम मेरी बाँह पकड़ लेना टांग पकड़ लेना एकदम ठीक है। तो मैं दिखा रहा हूँ खतरे की जगह ताकि जो है और बालक भी आने वाले भी सावधान हो जाएं कि किस तरीके से नदी में बच्चे डूबते हैं छोटे बड़े और तैर भी लेते हैं तैरने वाले भी जो दिन रात पार करते हैं वो भी डूब जाते हैं। तो यहाँ कोई नहीं आता ढांगें इस तरीके से गिरती हैं देखिए नदी अंदर ही अंदर कुलल लेती है उन्हें और ढंग देसानी कोई भी तैराकी एकदम जाकर मट्टी और रेत एकदम दबा लेता है। देखिए कहाँ से मैंने यहाँ नदी बना दी और ये ढांग जो है नीचे को एकदम गिर जाती है और देखिए यहाँ गड्ढा खोदते हैं यहाँ भी निकले खोद ले यहाँ गड्ढा खोदिए हाथ से जल्दी खोद देखिए यहाँ 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 खोद यहाँ यहाँ पानी निकल रहा है यहाँ देख पानी लिखा रहेगा ये कहीं भी पानी लिखा था ढांग है खतरा मोल लेने की कोई ज़रूरत ना है। तो इस तरीके से नदी में बच्चे डूब जाते हैं शाम के समय ब्लॉग बनाते जा रही है तो देख दे चुका है देखिए इस तरीके से ढांग गिर जाती है कोई नया आता है और नदी कटान इस तरीके से कर देती है देखिए ये कर रही है पानी आ गया और यहाँ पानी हो गया। तो नदी के किनारे कभी भी इस तरीके से घूमना नहीं चाहिए अगर घूमोगे नदी से कटान करते बिल्कुल किनारे कहाँ है डांग जो जान करा उन्हीं के साथ आना चाहिए बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है क्योंकि जाने भी चली जाती हैं इसमें जाने भी चली जाती हैं ये एरिया तो काफ़ी सारे खतरा मोल लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। नदी का दृश्य है किनारे हैं हम भी जाने वाले हैं क्योंकि शाम के समय हमें अगर ढांग गिर जाती है हमारी भी तो हमें बचाने वाला कोई पैदा नहीं है। दिन छुप चुका चलने लल्ला अब मैं पैर धो लेता हूँ सावधानी आपके हाथ में कहीं भी नहाने जाइए जल्दी हाथ धो ले जल्दी चल रहे हैं खतरा है तो हम नदी कहाँ अरे हम अरे बचिए अब ढांग है देखूं ए चल भाई चल हम भाई चल ए कभी भी अकेले मत जब तो मेरे साथ हो कभी अकेले मत आना ये ढांग है काफ़ी सारी रफ्तार ना जू गई है देख जू गई ए देख जू गई ढांग ए देख ऐसे गिरे ए देख जू गई जू गई ये ढांग है चल भाई चल जल्दी से बहुत खतरा अरे मारे ओह चल ढांगें गिर रही हैं तो ढांगें गिर रही हैं नदी के किनारे कभी मत आना बारिश के मौसम में और डूबने का खतरा रहता है। यहाँ से धो ले देख लो चुपचाप चल रास्ते में धो लिए चल ढांग गिर सकते हैं यहाँ मत धो मेरे पैर सन्न है मैं भी नहीं धो लिया तो कभी भी नदी किनारे चल जल्दी ले कोई ना है दिन छिपे सावधानी हटी दुर्घटना घटी तो आप देखते रहना वीडियो को अंत तक बने रहना लाइक और शेयर करना। जो नदी के किनारे घूमते हैं नहाते हैं नहाना नहीं चाहिए ढांग गिरने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। तो आज हमने चेक करके दिखा दिया तो ढांग गिरती कैसे और किसी दिन दिखाएंगे तो ढांग गिरने का खतरा ही बड़ा रहता है। चल भाई चल और रास्ते में धोले पानी भर रहा थोड़ा तो हम वीडियो को अंत कर रहे हैं सावधानी आपकी सुरक्षा हमारी समय सचेत करना था अपने ब्लॉग के साथ हमें आपको सचेत करना था सबको क्योंकि सावधानी में चौमासे के समय नहाने ना आए नदी के किनारे आए तो किसी बुजुर्ग के साथ या किसी एक्सपीरियंस होल्डर के साथ आए जो नदी के सब
रुखों से वाकिफ हैं सभी तरीकों से। तो रात में हैं, हम जा रहे हैं, अब हो गए ब्लॉग्स लोग हमारे। ले ले ले, ए अरे मारे, ए यार नंगे पैर चलो भाई, आ जा भाई। यस तो इन बालकों को भी मैं अकेले कभी बालक बुलाते हैं मोहल्ले के, चलो चलो भाई नदी घूमिया, मैं जाने देता हूँ। आज इन्हें मैं असली बाकी से बाकी पढ़ने आया था, कभी भी मत ये ढंग में। ए यश कभी मत ये, अब तो देख ली थे ने, कल तो नहा दिया मैंने, कल भी चला जाता गप है भाई, कल भी चला जाता गप पूजो कर रहा वो तो मैं कैमरा ना। रुक जा लल्ला, हाँ धोले मैं पैर धो रहा हूँ, फिर चलम चल रहेगी। कभी भी समझ गया रे, ए यस ओ मैंने कट्टे भरा होता पानी निकल गया है पीने वाला, सब पानी निकल गया मुझे। तो कहां पर खोल ले पानी, कुछ है रखूं तो से साफ पानी रहा। चलो भाई हम जाने वाले हैं, 10 ही 10 मिनट का हमारा ब्लॉग होगा, अंत कर देंगे। वीडियो को हमारे लाइक और शेयर करना ताकि नदी के किनारे नहाने वाले और भी सावधान रहें, ढांग गिरने का काफ़ी करे, नाले का पानी भी आता है। चलो भाई हैं, ये ऐसे प्रियांशु जा रहा है अंधेरे में, हमें लग भाई 1 घंटा हो जाएगा यहाँ आए हुए।